Assalamualaikum and welcome back to another vlog. कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक मजे में भाई. आज सुबह 9:30 बज रहे हैं, आपका भाई तैयार हो गया, रेडी हो गया व्लॉग स्टार्ट करने के लिए. और ये देखें, अम्मी ने बोला कि मुझे पता है तुझे कलेजी बहुत अच्छी लगती है, तो आज जो है ना काफी टाइम बाद हम कलेजी पे हाथ साफ करने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए डाइटिंग को भूल जाएंगे. ये आ गई भाई मसाले वाली कलेजी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जब मैं छोटा था ना तो मुझे याद पड़ा कि अम्मी मुझे 30 रुपए देती थी, बोलती थी जा कलेजी लेके आ. सही है, हर हफ्ते को मैं जो है तकरीबन, मुझे याद है कि मैं कलेजी लेने जाता था, 30 रुपए की कलेजी जो है ना थैली में लेके आता था, अम्मी बना के मुझे मसाले वाली कलेजी देती थी. अब 250 रुपए की. ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आए हाय हाय क्या बात है. बहुत ही बेहतरीन. अच्छा, बाहर भी कलेजी मिलती है इस तरह मसाले वाली, लेकिन मैंने जिंदगी में नहीं करी. मुझे सिर्फ अपने घर की कलेजी बनी हुई जो है ना वो अच्छी लगती है. मोहम्मद अहमद, अब मैंने जाना है एक काम से. ठीक है? ना, नहीं ना, ना. मोहम्मद अहमद, मुझे जाना है एक काम से. ना, नहीं छोड़ूंगा. नहीं छोड़ोगे मुझे? इमोशनल ब्लैकमेल सुबह सुबह. मोहम्मद अहमद, आज मुझे एक सरप्राइज की तैयारी करनी है यार, एक VIP सेटअप पे जाने दो ना. तो आज का सरप्राइज आप लोगों के साथ क्या छुपाना यार, मतलब आप लोगों को बता ही देता हूँ, आप लोग तो मेरी YouTube की फैमिली है ना यार. तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज अलिशबा की सालगिरह है. ठीक है? और आपको तो पता है कि बच्चे बहुत खुश होते हैं कि यार उनकी बर्थडे पे कोई केक शेक काट लिया जाए, कोई ऐसी पार्टी शार्टी कर ली जाए, तो बच्चे जो है ना उनका दिल खुश हो जाता है. तो आज जो है ना मैंने उसके लिए कोई सरप्राइज VIP सेटअप करवाया, अरेंजमेंट. तो अभी मैं आप लोगों को सरप्राइज पे लेके नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए रुके जरा, सबर करें. अभी तो अब्दुल कबीर का इस्लामियत का पेपर खत्म हो गया और मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ. कौन? कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ. अच्छे से दिया आपने एग्जाम? दिया. पक्की बात है? अच्छा भाई, जब भी अब्दुल कबीर के पप्पा इसको स्कूल से लेने के लिए जाते हैं ना, तो स्कूल से वापसी में अब्दुल कबीर को एक काम करना होता है. क्या पीना होता है? नारियल का पानी. ठीक है? लेकिन अकेला नहीं पीता, बोलता है मुझे किसी के लिए लेके जाना है. किसके लिए लेके जाना होता है? मम्मा. हाँ, मेरी अम्मी के लिए लाजमी बोलता है कि मम्मों के लिए भी लेके जाऊंगा. सही है? तो वो जो है ना मम्मों के लिए देखें तैयार कर रहा है भाई हमारा ना. ये देखें भाई, ये मेरी अम्मी के लिए बना रहा है नारियल. अब्दुल कबीर की जान मम्मों के अंदर है, मम्मों की जान अब्दुल कबीर के अंदर है. अच्छा, आजकल अब्दुल कबीर को पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, बार बार क्या बोलता है, क्या बोलूं? मुन्ना. मुन्ना बोलो. पता नहीं मुन्ना बनने का शौक हो गया इसको वापसी. और ये आ गया भाईजान अम्मी का पार्सल. और भाईजान क्या हाल चाल है? सब खैरियत? ठीक ठाक, जबरदस्त. मैं नारियल वाले भाई को पैसे निकाल के देने लगा, मुझे याद आया मैं तो पैसे ही लाना भूल गया हूँ घर से. अब मैं रात को दूंगा क्योंकि मेरा रात में अक्सर चक्कर लगता है यहाँ पे. लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं, आपके भाई को ये उधार वाला सीन जो है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद. सही है? ना उधार करना ना उधार करवाना. तो नॉर्मली मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास पैसे वैसे ना होना, मैं ATM से फौरन जाके निकाल के देता हूं. लेकिन क्योंकि अभी अब्दुल कबीर मेरे साथ है तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं रात में दे दूंगा भाई को. अरे भाई, गाय आ गई, आगे रास्ता रोक लिया. गाय बोल रही है तुम बकराईद में आते हो फुल चौड़े होके, हाँ मतलब सौदे करते हो, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. अच्छा, इसकी गायें चराने के लिए निकला है बंदा. अभी अभी जो है ना स्क्रीन वाले की भी कॉल आई है, वो टेक्नीशियन भेज रहे हैं और वो लोग चेक करके बताएंगे कि इसका क्या सीन होने वाला है. अल्लाह करे अंडर वारंटी ये सारा काम फ्री में हो जाए, कोई खर्चा ना हो. कंपनी भेजना पड़ेगा? कंपनी जाएगा. क्या होगा, चेंज होगी स्क्रीन पूरी? स्क्रीन लग रहा चेंज होगी या सफाई होगी या चेंज होगी. अच्छा, फ्लैकिंग कर रही है लाइट सी? हाँ, ये वाली साइड कर रही है बिल्कुल. दूसरी बात ये है कि ये आपको शायद नजर आ रहा है पिक्सल में लाइनें बन रही. जी हाँ, बन रही है. सही, वो दूसरा कौन मसला? तीसरा मसला इसके यहाँ पर उम्र हो गई मुझे लग रहा है इसकी ना. हाँ. यार मतलब आप लोग जो है ना भाई की सुस्ती चेक करें कि अभी तक जो है ना हमारा कैंपिंग का सामान सारा जो है ना मतलब यहीं पड़ा हुआ है. ठीक है जी, लेकिन हमने जो है ना इसी के साथ एडजस्ट कर दिया स्क्रीन को. अब जो है ना हम लोग लेके जा रहे हैं स्क्रीन को सर्विस सेंटर. चले जी, पहुंच गए. अगर आप ये लेके मुझे 103 की गिफ्ट कर दोगे तो मैं ले लूंगा, मना नहीं करूंगा. भाई स्क्रीन जो है ना हमने जमा करा दी है. जो काउंटर पे भाई बैठे हुए थे ना वो हमारे सब्सक्राइबर निकले यार. उन्होंने बोला मुस्तफा भाई ऐसा लग रहा है जो स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइनिंग शाइनिंग है ना तो हो सकता है पैनल ही चेंज होगा. अच्छा ये पैनल चेंज हो जाए, रिपेयरिंग वाला काम अच्छा नहीं होता, जो चीज नहीं रिप्लेस हो जाए ना वो ज्यादा अच्छी होती है. तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ना इसकी वो चेंज करेंगे. हाँ लेकिन उन्होंने बोला कि यार 2-3 हफ्ते लगेंगे. मैंने बोला खैर यार कोई मसला नहीं, बस सेट करके दे दो. और सबसे मजे की बात यह है कि ये सारा का सारा काम अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा. भाई अब जो है ना शाम के 7:45 बज गए. ठीक है जी, अलिशबा को मैंने अपने घर पे बुला लिया है. बहन और की फैमिली भी उतर रही है, दूसरी बहन भी आ रही है. और अभी तक हमने इसको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं. अभी तक इसको ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही सब घर वाले कहीं जा रहे हैं, बर्थडे वर्थडे का कोई सीन नहीं पता. ठीक है, अभी मैं इससे पूछता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? आज क्या सीन है? मेरी बर्थडे. तो कहाँ है केक वेक? कहाँ है? कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं कर रही हो? अच्छा चलें, फिर मैंने अलिशबा को तैयार करके बुलवा लिया, मेरे साथ ही कहीं चली जाएगी बात. चलोगी मेरे साथ? चलो चलते हैं कहीं. ये देखिए भाई हुरैरा भी आ गया है तैयार होके, बस हम जा रहे हैं.
गुमनाम जगह पे जा रहे हैं और यहाँ पे देखें इफ्रा भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा, कैसी हो आप? सब जा रहे हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। और ये देखें डाले में कौन घूम रहा है, आयशा घूम रही है। कैसी हो, हाथ मिलाओ। हाँ ये भी तैयार होके आई है, इसको भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। हमें जाना है गुलशन मेमार वाली साइड पे, तो रास्ता लंबा है और थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा इस टाइम पे। आपके भाई ने जो अरेंजमेंट कराया था ना, वहाँ पे मैंने बोला था 8 बजे आऊंगा, देखें गूगल मैप क्या बोल रहा है, फिक्स 8 बजे पहुंचाएगा। और ये देखें रास्ते में ट्रैफिक है, बस यहाँ से जो है ना ट्रैफिक से हम लोग दूर हो जाएंगे क्योंकि सामने हम लोग लेफ्ट पे लियारी एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक फ्री सीन है। अली बस सबसे पहले आप आंखों पे हाथ रख लो, आंखें बंद कर लो दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। हाँ वेरी गुड, अब ऐसे ही चलती रहो, सही है, ऐसे ही चलती रहो, ऐसे ही चलती रहो। हम लोग जो है ना पहुंच गए जहाँ पे VIP सेटअप कराया मैंने, ठीक है जी। अलिशवा को नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या सीन है, ये चेक करें भाई, हम यहाँ पे आ गए हैं। ये बिक्री है ट्विस्टल्स बाय घानिया, ठीक है जी, और अंदर लेके जा रहे हैं। अलिशवा आंखों पे से हाथ नहीं हटाना आपने, ठीक है। हाँ नहीं हाथ नहीं हटाना, दोनों हाथ रख लो, दोनों हाथ रख लो, दोनों हाथ रख लो, ठीक है। चलें ये देखें भाई ये सेटअप है, सही है। अलिशवा अभी आपने हाथ नहीं हटाना है, ठीक है, सही है ना, नहीं हटाना, बिल्कुल भी नहीं हटाना है आपने। ये देख रहे हैं आप, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब 2 मंजिला केक बनवा लिया हमने। अलीशबा हाथ हटा दो, ये देखो कैसा सेटअप है, मजा आ गया। केक देखा आपने अपना, ये देखो वाओ क्या लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे अलीशबा, जबरदस्त पूरा पिंक थीम क्या हुआ, हैप्पी हो आप, हो गया सेटअप आपका, हाई फाइव। अब आ जाओ आप लोग सारे, मैंने घर वालों को बाहर जो है ना होल्ड करके रखा था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई ये एक बेकरी है जिसमें हम आए हैं, ठीक है जी, और ये देखें यहाँ पे केक शेक और ये सारी चीज़ें जो है ना ज़बरदस्त किस्म की। और हमारे सेटअप के अंदर क्या क्या है ये देखें, ये एक नई चीज़ है मटका केक, ये आज आपका भाई ट्राई करेगा तो बताएगा। बाकी इसके अलावा कस्टमाइज कुकीज़ हैं इसके अंदर बारबी थीम के ऊपर, ठीक है जी, और ये पेस्ट्रीज़ हैं। ये जो है ना भाई ये हैं केक पॉप्स, इनको जो है ना आपने ये देखें चॉकलेट फाउंटेन भी यहाँ पे रेडी है, इसके अंदर चॉकलेट में डिप करना है आपने और जो है ना इन्जॉय करना है, ठीक है जी। इसके अलावा ये मार्शमेलोज हैं और इसके अलावा डिफरेंट पेस्ट्रीज़ हैं, ये जो हैं ये 2 बाइट पेटिस हैं, ये समोसे हैं, ये बसबूसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा तो आपने इसके ऊपर उंगली लगा के साफ कर दिया, हाँ ये देखो पकड़ी गई आप, आपके मुंह पे लगी हुई क्रीम। और वो देखें भाई अलीश भाई स्टार्ट भी हो गई, ये देखें भाई ये जो है ना इसने डिप कर लिया चॉकलेट में और स्टार्ट कर दिया, ये देखें पूरा गया मुँह में। यार मुझे लग रहा है कि मेरी डाइटिंग जो है ना थोड़ी सी ख़राब होने वाली, मतलब ये आप लोग समझ रहे ना हमारी सऊदीया की यादें, मतलब हम वहाँ पे बसबूसा खाया करते थे भाई, और ये समोसे वमोसे यार मतलब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा तो आप भी शुरू हो गए हैं, हाँ निपटा रहे हैं आप, गुड है। नहीं आयशा ने जो है ना ये देखें यहाँ से गायब होना शुरू हो गए हैं ये सारे, भाई ये जल्दी जल्दी केक काट लो ना सब कुछ गायब हो जाएगा। चलें जी अब जो है ना यहाँ पे कैंडल लगा दिए, 8 ईयर्स की हो गई माशाल्लाह अलिशबा, ठीक है जी, तो 8 ईयर्स की कैंडल लग गई है और अभी जो है ना स्पार्कलिंग कैंडल्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, लगाएं भाई लगाएं लगाएं। अलिशबा देखो आपके जो गिफ्ट है ना वो भी इसी केक के अंदर छुपे हैं, देखो ये आपके लिए जो है ना सैंडल भी आ गए, ठीक है जी, ये आपकी लिपस्टिक आ गई, ये सारा मेकअप का सामान आ गया, ये लिपस्टिक आ गई, सब कुछ आ गया इसी के अंदर आपका। बेगम इधर आए आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए हमारे काम की भी जो है ना कुछ चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें ये कितने छोटे छोटे केक हैं, ये पता है किस लिए हैं, कभी आप मुझे नाराज़ कर दें सही है तो आप फिर मुझे मना लीजिएगा, कभी मैं आपको नाराज़ कर दूं तो मैं आपको मना लूँगा, समझ गए, छोटे छोटे केक, बस सही डन हो गए डन हो। चलें जी बच्चा पार्टी सब रेडी हो गई है, हमने जो है ना माचिस निकाल ली है, ठीक है जी, और ये जो है ना हम जलाएंगे पहले, ये जल जा भाई, ओए होए जल गई, चलें भाई चलेंगे क्लैपिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, चलें जी बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। अलीशबा सबसे पहले अच्छा मुझे खिलाओगी, अच्छा ये थीम बारबी का दिया हुआ है लेकिन ये चॉकलेट केक है, अंदर सारा चॉकलेट का सीन है। ये आ गया भाई इफ्रा को खिला दिया, ये अलिशबा अब केक खिलाने जा रही है हुरैरा को अपने भाई को, कैसा है हुरैरा केक, गुड। ये आ गया आयशा का केक, आहा अब्दुल कभी कैसा है, VIP सेटअप हो गया, अच्छा भाई VIP सेटअप हो गया भाई। ये जो है ना हम ये बेगम को खिलाते हैं, ये शशके हमने पहले कभी नहीं देखे भाई, ये देखे आए हाय 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 हाय, जबरदस्त हो गया सीन यार।
ये ले बेगम, ये मिठास भरा सीन जो है ना आपके लिए, ये ले। कैसे? ये सेटअप देख के जो है ना आपके भाई को हमारी वो बचपन की स्कूल की पार्टियां याद आ गई, जब किसी की बर्थडे हुआ करती थी, जब ईद मिलन पार्टी हुआ करती थी, तो हम इसी तरीके से किसी बच्चे को जिम्मेदारी मिलती थी कि आप समोसे लेके आना, कोई चिप्स लेके आता था, और इस तरीके से ही जो है ना पार्टी हुआ करती थी। वो सीन याद आ गया। बहुत भूख लग रही है, आपस की बात है, चिकन समोसा खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल स्पाइसी। ये बेकरी हमारी जिस बहन की है ना, मतलब वो हमारे व्लॉग इतना रेगुलरली देखती है, उनको पता है कि मुझे फ्रेश ऑरेंज जूस बहुत पसंद है, और इन्होंने ये देखें फ्रेश ऑरेंज जूस निकाला यार हमारे लिए। तो आपका भाई जो है ना ये फ्रेश ऑरेंज जूस ज़रूर पिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय द वे, ये जो बेकरी है ना, ये हमारे फॉलोवर्स खड़े हुए इनकी मामा की हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? बेहतरीन हो गया यार, बहुत अच्छा लगा यार सारा सेटअप, माशाल्लाह बेहतरीन है भाई। अब जो है ना ये मटका केक कैसे निकालेंगे, कैसे काटेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब इसको भी ट्राई करते हैं यार। आपको पता है? अच्छा भाई, मटका केक जो है ना अब हम ऐसे निकालेंगे, ये देखें जैसे हम लोग कढ़ाई निकालते हैं ना, इस तरीके से ही मटका केक निकालेंगे। अय हाय हाय, कोई नई चीज़ लग रही है भाई ये, अब इसको ट्राई करते हैं। ये आ गया भाई मटका केक। आज मतलब जो है ना आपके भाई को बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी रात को। ये भी अच्छा है यार, ज़बरदस्त है। चलें जी, अपना सेटअप बड़ा बेहतरीन किस्म का हो गया यार यहाँ पे माशाल्लाह। और ये देखें भाई, ये जो मटका केक था ना, इन्होंने एक मेरे लिए भी जो है वो पार्सल कर दिया है, मतलब सही है, रेडी करके रखा हुआ था और लिखा थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा भाई। और ये हमारे बासित भाई के लिए इन्होंने जो है वो पार्सल कर दिया। तो ये दो केक भी आ गए, इनका चैनल भी है YouTube पे ट्विस्टर्स बाय घानिया के नाम से, आप लोग चेक कर सकते हैं। भाई रात के इस वक्त 10 बज चुके हैं, घर वालों को मैंने घर पर ड्रॉप कर दिया है, अब बस आपका भाई भी जो है ना गाड़ी पार्क वार्क करके घर पर जाने की करता है। होपफुली आज का व्लॉग और आज का सरप्राइज आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।